55 लाख में डेढ़ स्टोरी घर, बिल्कुल आपने थंबनेल ठीक पढ़ा है। इसी गली में एक घर मेरे पास कुछ दिन पहले आया था। ये एक लिंक वाली बेसिकली गली लग रही है, माशाल्लाह देखें 30 फीट की ये मेन गली है और इसके अंदर एक लिंक वाली गली लग रही है। ये है जी घर, फ्रंट एलिवेशन आप देख लें। हर इलाके में लिंक वाली गलियां लगती हैं, वहां पर प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है, तो रिहाइश के लिए तो आपको पता है एक अच्छा ऑप्शन भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गैर मुतलका जो अफराद होते हैं उनका ना आना ना जाना, ठीक है। बहरहाल जी एक लो बजट हाउस मेरे पास आया है, फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं, 1.5 स्टोरी है, दो मरला का घर है, बेहतरीन बना हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पेंट का काम जारी है अभी। एंट्रेंस वाली साइड से आप व्यू देख रहे हैं, ऊपर वाली साइड से बाहर बाहर से ही रास्ता जाता है, ठीक है जी। जैसे यानी कि आप गेट ओपन करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन पर चले जाएंगे, नीचे अंडर वाटर टैंक बना है, आगे दो रूम्स भी आपको मिल रहे हैं और साथ में एक किचन भी मिल रहा है। किचन में आप वुड वर्क चेक कर लें, ठीक है, और इसके साथ साथ टाइल वर्क भी, पेंट वर्क भी, ठीक है, खिड़की लगी हुई है और बेहतरीन मैं समझता हूँ एक अच्छा लो बजट ऑप्शन है। वो लोग जो कि किराए के ऊपर रह रहे हैं उनका एक मिनिमम बजट है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। डिमांड 55 लाख है जी, और ये सीलिंग वर्क भी चेक कर लें। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं कि यार मैं शायद बहुत ज़्यादा मालियत के घर दिखाता हूँ। देखिए वीडियो सेक्शन के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो आपको कम से कम बजट का भी घर मिल जाएगा, 16 लाख रुपये का भी घर मेरे पास है, तो कोई लेना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है, लेकिन वो फिर चक्री रोड के ऊपर दूर करके है, ठीक है, वहाँ पर अभी आबादी तो चक्री रोड पर जा चुकी है, बट वो जिस एरिया में है वहाँ पर अभी आबादी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर, ये तो जिस घर में हम आपको व्यू करवा रहे हैं, टूर करवा रहे हैं, ये तो आबादी वाला इलाका है, ठीक है जी। आप बेड नंबर 1 का व्यू कर रहे हैं, इसमें अलमिरा देख लें, स्टोरेज के पर्पस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आपको एक अलमारी भी मिल रही है, ठीक है, घर के कपड़े शपड़े जो भी सामान वगैरह वो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक आपको वॉशरूम भी मिल रहा है, ठीक है जी, और ये दरवाजे बहुत अभी गीले हैं क्योंकि मैं बड़ा ही एहतियात करके अंदर जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर एक सीट लगना बाकी है, ठीक है जी, यानी कि इंग्लिश सीट आप लगेगी एक साइड पे, और दूसरा जो आपको बेड मिल रहा है वो भी बेड है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको एक अटैच वाशरूम मिल रहा है। तो घर में बेसिकली दो रूम्स हैं और दोनों के साथ आपको वाशरूम भी मिल रहा है, ठीक हो गया दोस्तों। तो अभी आप नीचे वाले फ्लोर का व्यू कर रहे हैं, कीप दिस इन योर माइंड कि ये 1.5 स्टोरी है, ऊपर भी आपको अभी टूर करवाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पर इंडियन सीट लगी हुई है, टाइल वर्क आपके सामने है, और ये ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए भी जगह छोड़ी है। ऑलमोस्ट 99% काम कंप्लीट हो चुका है, बस 1% रह गया, बिल्कुल फुली आपको रेडी करके दिया जाएगा, ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पर भी आप सीलिंग वर्क चेक कर लें, आपको किचन मिल रहा है, एक छोटा सा ओपन एरिया आप कह सकते हैं, उसको टीवी लॉन्च भी कंसिडर कर सकते हैं। ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, दो बेड्स नीचे मिल रहे हैं, और अभी हम ऊपर आ चुके हैं, आपको एक रूम मिलेगा ऊपर और साथ में एक अटैच वॉशरूम भी, लेकिन एक आपको स्टोर टाइप एक एरिया मिलेगा जिसे आम जुबान में मुमटी भी कहा जाता है, ठीक है जी, फानूस वगैरह लगा हुआ है, ठीक है जी। अभी थोड़ा सा डार्क है यहाँ पर, दोबारा से वापसी पर बिफोर द एंड ऑफ द वीडियो ये मुमटी वाला एरिया दोबारा दिखा देंगे आपको, ठीक है। अभी आप एक जो ऊपर बेड है उसका व्यू कर लीजिए, तो यहाँ पर भी आपको एक अलमारी मिल रही है, ठीक है जी, सीलिंग वर्क भी चेक कर लें, विंडो लगी हुई है साथ में, ठीक है, हवा की क्रॉसिंग के लिए बेहतरीन सिस्टम है। तो तीन बेड हो गए हैं जी बेसिकली इस घर में, 1.5 स्टोरी है, दो मरला के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, छोटी फैमिली के लिए बेहतरीन है। देखें जी ये ना देखा करें कि तीन मरला है, दो मरला है, एक बेहतरीन आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। लाहौर अगर आप चले जाएं ना, आपको एक एक मरला के ऊपर भी घर मिल जाते हैं, वो भी डबल स्टोरी, समटाइम्स मैंने ये भी सुना है कि तीन स्टोरियां भी लोग बना देते हैं। एनीवेज ये इसका वॉशरूम है जी, ऊपर आप चेक कर सकते हैं, आपको छत के ऊपर एक स्पेस भी मिल जाता है आपकी लॉन्ड्री के लिए, प्लस आप शाम के टाइम यहाँ पर चिल भी मार सकते हैं जी, बारबेक्यू कर सकते हैं, ठीक है, अपना कोई सेटअप वगैरह बना सकते हैं। एक ऊपर आपको टैंकी भी मिल जाएगी, ठीक है जी, तो एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है जी। अब आबादी शहर के अंदर आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। लोकेशन इसकी है जी वकील कॉलोनी, ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट, गुलजारी कायद के साथ, ठीक है।
और यहाँ से आपको कचहरी, सदर, मरी रोड, इवन के इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे 1 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाता है। ये वो मुमटी वाला एरिया है जो मैं आपको कह रहा था, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी आपको मिल जाती है यहाँ पर, आप अपना जो ज़रूरत ज़िंदगी का सामान है वो यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, होपफुली आपको आज का भी लोग वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे शेयर ज़रूर किया करें, ये भी एक सदका जारी होता है, हो सकता है आप नहीं तो किसी और की कोई चीज़ काम आ जाए। और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। मेरे पास कुछ और भी सस्ते ऑप्शंस आए हैं, इंशाल्लाह आई विल अपलोड दीज वीडियोस वन बाय वन, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप रब्ता रख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज़।